हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत इजी तरीके से बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने पत्ता गोभी ली है, जिसके एक्स्ट्रा जो भी ऊपर के पत्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो हमें निकाल देने हैं। इसके बाद हमें इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। आप अपने तरीके से इसे कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक हरी मिर्च ली है, जिसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम एक कढ़ाही में थोड़ा तेल गरम करेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग। अच्छे से जीरा जब फटने लगेगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसको भी अच्छे से सोटे करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मटर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसे मटर में मिक्स कर देंगे। मटर पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। 50% मटर के पकने के बाद ही हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे, ताकि पत्ता गोभी के साथ ये पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अलग से हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, क्योंकि इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो नमक डालने से ही अपना पानी रिलीज़ करती हैं, तो ये इससे इजीली पक जाती हैं। बीच बीच में हमें ढक्कन हटाकर इन्हें मिक्स करते रहना है, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। पत्ता गोभी भी 50% पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बेसिक मसाले। तो जो भी आप बेसिकली घर में मसाले यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर, वो आप इसमें ऐड कर दें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे ढक्कन लगाकर, ताकि जो भी पत्ता गोभी अभी पूरे तरीके से नहीं पकी है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। तो 2 मिनट इसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी पूरे तरीके से रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।